हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अपन आज जानने वाले हैं राजस्थान पर पशु परिचर की महत्वपूर्ण वैकेंसी निकली है, तो इसके बारे में समझते हैं। परीक्षा संचालन कौन करवाएगा? तो यहाँ पर RSMSSB करवाता है। पद की बात करें तो यहाँ पर आया पशु परिचारक। पशु परिचारक का पद है दोस्तों, विज्ञापन संख्या ये दे रखी है आपको। और रिक्ति की बात करें तो काफी शानदार पद है और काफी शानदार पोस्ट है दोस्तों, 5,934। बात करें अधिसूचना या आपको इंतजार नहीं करें कि अंतिम दिनांक का आप इंतजार करें, ऐसा नहीं करें, अभी जाएं और अपना आवेदन करें। दोस्तों, एग्जाम की बात करें तो ये अप्रैल से जून के अंदर संभावित बताई गई है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कि रिक्तियाँ कितनी है दोस्तों, तो राजस्थान पशु परिचर रिक्ति 2024 में वर्ग वाइज बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में है 5,281, और अगर अनुसूचित क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर है 653, और कुल मिलाकर होते हैं 5,934। आगे देखें दोस्तों, तो यहाँ पर बात करें कि आपके आवेदन शुल्क कितने क्या है, तो जनरल, OBC और ESBC आपके रहेंगे 600 रुपये। अगर बात करें यहाँ पर SBC, अच्छा SBC के 400 रहेंगे दोस्तों, SC ST वालों के भी 400 रहेंगे, और दिव्यांग जन के भी कितने रहने वाले हैं, 400। आगे बात करें दोस्तों यहाँ पर कि आयु सीमा क्या रहेगी, तो आयु सीमा न्यूनतम आपकी दोस्तों 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम क्या होनी चाहिए, 40 वर्ष। और दोस्तों बात करें OBC वालों को 3 साल की छूट है, SC ST वालों को 5 साल, जो यहाँ पर लागू रहेगा। बात करें 31 दिसंबर 2020 से निर्धारित आयु सीमा के भीतर थे, उन्हें 31 दिसंबर 2024 तक की आयु सीमा के भीतर माना गया। दोस्तों ये कोरोना में ये नई अपडेट की गई है, 31 दिसंबर 2020 को निर्धारित आयु सीमा के भीतर थे, उन्हें 31 दिसंबर 2024 तक आयु सीमा के भीतर माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इसका परीक्षा पैटर्न की बात करें यहाँ पर, तो दोस्तों एक पेपर होगा आपका 2 घंटे का रहने वाला है अवधि, और क्वेश्चन होंगे 150, और नंबर भी कितने होंगे, 150। लेकिन दोस्तों बात करें इसमें दो भाग होंगे, भाग ए है जो 70% होगा, जिसके अंदर आएंगे GK, मैथ, रीजनिंग जो भी है। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों भाग बी, ये आपके पशु परिचारक के से संबंधित क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आपके 45 क्वेश्चन और 45 मार्क्स के होंगे, जो 30% यहाँ पर कवर करने वाला है। दोस्तों आगे बात करें सिलेबस में क्या है, जैसे भाग ए था भारांक 70% देखें, तो यहाँ पर राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के माध्यमिक स्तर के सामान्य विज्ञान दोस्तों, दैनिक विज्ञान हो गया, गणित हो गई, सामाजिक अध्ययन हो गया, भूगोल हो गई, इतिहास, संस्कृति, कला आदि इत्यादि है दोस्तों। यहाँ पर बात करें ये आपका 70% दोस्तों, 105 नंबर का पार्ट रहने वाला है। अगर आगे बात करें 30% भाग ये था बी वाला, और ये 45 अंक आपके कवर करने वाला है, जो कि आप यहाँ पर दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग्रामीण परिवेश से हो तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, जैसे खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे तैयार करते हैं, पशुओं के चमड़े हड्डियों का उपयोग, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, ये गोबर मूत्र इत्यादि दोस्तों, ये पशु मेले, पशु गणना, गौशाला प्रबंधन, ये दोस्तों ईजिली आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। बात करें आगे दोस्तों नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1 अंक कितने का, तो कुल दोस्तों आपके 150 नंबर होने वाले हैं, और 150 ही क्वेश्चन होने वाले हैं, प्रत्येक अंक का 1 नंबर दिया गया, और नेगेटिव अंक का दोस्तों 1/4 अंक काटा जाएगा। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 40% दोस्तों दोनों भागों में न्यूनतम 40 अंक, 40% अंक परसेंटेज में दोस्तों लाना ज़रूरी है। और दोस्तों ये 10वीं पास की आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। अब बात करें कि फॉर्म कौन भर सकता है, तो 10वीं पास यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। लास्ट में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि सर यहाँ पर वेतन कितना मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 18,000 से 56,900 रुपये यहाँ पर वेतनमान रहने वाला है। दोस्तों ये दे रखा है कि इसमें कौन से 7वें वेतन आयोग के अनुसार किया क्या है, वो आप डिटेल में जान सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों सभी देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं।
जय हिंद, जय भारत।